सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा नव सृजित नगर पंचायत में भाजपा की लहर, भाजपा प्रत्याशी एवं समर्थकों द्वारा जनसंपर्क कर केंद्र और राज्य की विकास की उपलब्धियां गिनाई और कहा डबल इंजन की सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कमल खिलेगा। नव सृजित नगर पंचायत इटवा से आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, आप यदि मौका मिला आपको, जनता ने आपको साथ दिए, तो आप इस नगर के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? जी नमस्कार, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे समान कार्यकर्ता को इस पद के लिए योग्य समझा। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। और इस समय मैं अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में हूँ और मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ और मुझे निश्चित ही विजय हासिल होगा और चुनाव यदि हम जीतते हैं तो जनता को हम भरोसा देते हैं कि जो भी जल निकासी समस्या है, जो भी सड़क की दुर्दशा है, सबको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये अभी इटवा जल्दी ही जो है आदर्श नगर पालिका बना है, ये किसका श्रेय जाता है इस पर ज़्यादा? भारतीय जनता पार्टी सरकार में मोदी योगी सरकार के नेतृत्व में और हम लोग के नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के प्रयास से नगर पंचायत हुआ है। मैं पूरे नगर पंचायत क्षेत्रवासियों की तरफ से भाजपा सरकार को, अपने नेता डॉक्टर सतीश द्विवेदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका मतलब सर्वे कर चुके, आप भ्रमण कर चुके, जनता से जाके मिल चुके, इससे आपको कितना अभाव लग रहा है कि हम जनता के बीच में कितना उभर पाएंगे? जब से नगर पंचायत बना तब से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और लगभग लगभग सभी गांव में हम पहुंच चुके हैं, हर मतदाता के पास पहुंच चुके हैं। अब चूंकि 11 मई को मतदान हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं फिर से जनता के बीच में और जो हमको रुझान मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, निश्चित रूप से हमको विजय मिलेगा।